शुभ दोपहर प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपकी संस्कृत की अध्यापिका रेणु शर्मा आज फिर से संस्कृत का एक नया अध्याय लेकर प्रस्तुत हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम संस्कृत का सिक्स क्लास का चैप्टर 11 पढ़ेंगे, जिसका नाम है पुष्पोत्सव, फूलों का उत्सव। इस पाठ को संस्कृत में पढ़ने से पहले हम इसके बारे में थोड़ी सी जो महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं उनके विषय में चर्चा कर लेते हैं। इस पाठ में पुष्पों के उत्सव, फूल वालों की सैर का वर्णन किया गया है। यह उत्सव दिल्ली में अक्टूबर के महीने में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? दिल्ली के में अक्टूबर के महीने में। जैसा कि आपको पता है, अब सितंबर चल रहा है, उसके बाद अक्टूबर होगा, तो ये दिल्ली में अक्टूबर के महीने में मनाया जाता है। पुष्पों से बने पंखे इस उत्सव का मुख्य आकर्षण है। फूलों से बने पंखे। यह उत्सव गत 200 वर्षों से चलता आ रहा है। कितने सालों से चलता आ रहा है? 200 वर्षों से चलता आ रहा है। इस पाठ में सप्तमी विभक्ति के शब्द रूप का प्रयोग किया गया है। कौन सी विभक्ति आई है इस पाठ में? सप्तमी विभक्ति आई है। सप्तमी विभक्ति, जब हम कारक का चैप्टर करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि विभक्तियां क्या होती हैं और कब प्रयोग की जाती हैं, कौन से कारक में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ये सारी बातें हम कारक का जब चैप्टर करेंगे तो उसमें बताएंगे, ठीक है। इसमें है कि सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। पाठ के प्रारंभ में बताया गया है कि भारत उत्सव प्रेमी देश है। भारत कैसा देश है? उत्सव प्रेमी देश है। यहाँ बहुत सारे उत्सव मनाए जाते हैं, जैसे दिवाली है, होली है, ऐसे बहुत से त्यौहार हैं जो भारत में मनाए जाते हैं। यहाँ कहीं पर फसलों का उत्सव होता है, कहीं पर पशुओं का उत्सव होता है, कहीं पर धार्मिक उत्सव होता है, तो कहीं पर गाड़ियों का उत्सव होता है। इनमें से एक है पुष्पों का उत्सव, ठीक है, फूलों का उत्सव। यह फूल वालों की सैर इस नाम से प्रसिद्ध है। जो फूलों का उत्सव है वो किस नाम से प्रसिद्ध है? फूल वालों की सैर इस नाम से प्रसिद्ध है। दिल्ली के मेहरौली क्षेत्र में अक्टूबर के महीने में इसका आयोजन होता है। इस अवसर पर अनेक प्रकार के फूल दिखाई देते हैं। जगह जगह पे फूलों की जैसे दुकानें लगाई जाती हैं, तो कहीं पर किसी का फूल जैसे गेंदे का है, जवा का फूल है, कनेर का फूल है, इस तरह से अनेक भिन्न भिन्न प्रकार के हम वहाँ फूल देख सकते हैं और उनके पंखे बनाए जाते हैं। और वो कहाँ चढ़ाए जाते हैं इस पाठ में आएगा, वो बख्तियार काकी है, उसके समाधि स्थल पर चढ़ाए जाते हैं, ठीक है। एक बार बीच में ये परंपरा रुक गई थी, फिर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद फिर से स्टार्ट हो गई है, ठीक है। पुष्पोत्सव, फूल वालों की सैर, हमारे पाठ में उसी के बारे में बताया गया है। तो चलिए इस अध्याय को संस्कृत के साथ पढ़ लेते हैं। उत्सव प्रिय भारत देश है। उत्सव प्रिय, उत्सवों से प्रेम करने वाला, उत्सव मनाने वाला भारत देश है। भारत कैसा देश है? उत्सव प्रेमी देश है। फिर है अत्र कुत्रचित। यहाँ, अत्र का अर्थ होता है यहाँ, कुत्रचित कहीं, कहीं पर शस्योत्सव, फसलों का उत्सव। भवति होता है, कुत्रचित कहीं पर पशु उत्सव, पशुओं का उत्सव। भवति होता है, कुत्रचित कहीं पर धार्मिक उत्सव, धार्मिक उत्सव होते हैं। भवति होता है, कुत्रचित च और कहीं पर, यानो उत्सव, यान होता है वाहन, कहीं पर गाड़ियों का उत्सव होता है। यहाँ हम यान का अर्थ गाड़ियाँ लेंगे।
एतेषु एव इन्हीं में से ही अस्थि है, अन्यतमः एक पुष्पोत्सव थी, इन्हीं में से एक पुष्पो उत्सव फूलों का उत्सव है। अयम फूल वालों की सैर, अयम यह फूल वालों की सैर इति नामना इस नाम से प्रसिद्ध है, अस्थि प्रसिद्ध है, अस्थि का अर्थ होता है। ये कॉमन वर्ड हैं अस्थि और संति। अस्थि स्तः संति होता है, देखो अस्थि 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 एक वचन के लिए प्रयोग किया जाता है और स्तः द्विवचन के लिए, और संति बहुवचन के लिए प्रयोग किया जाता है। तीनों का अर्थ है, अस्थि है, ये हैं और ये हैं। बहुवचन में हम संति का प्रयोग करेंगे, दो से ज़्यादा होते ही संति आएगा। इसके बाद है इसकी वन लाइन में हिंदी देखिए, उत्सव प्रिय भारत देश है, भारत देश उत्सव प्रिय है, कुत्र अत्र कुत्रचित यहाँ पर कहीं शस्यो उत्सव है, फसलों का उत्सव होता है, कहीं पर पशुओं का उत्सव होता है, कहीं पर धार्मिक उत्सव होता है, कुत्रचित चयान उत्सव है, और कहीं पर गाड़ियों का उत्सव होता है। भारत में जो उत्सव मनाए जाते हैं उनके बारे में बताया गया है कि कौन कौन से उत्सव होते हैं, फसलों का उत्सव होता है, पशुओं का उत्सव होता है और धार्मिक उत्सव होता है। जैसे आपने देखा होगा होली पे होली खेलते हैं सभी मिलजुल कर, वो एक धार्मिक उत्सव है। इस प्रकार से अनेक प्रकार के उत्सव मनाए जाते हैं भारत देश में, तो उन्हीं में से एक है वो क्या है, पुष्पोत्सव, फूलों का उत्सव। अयम फूल वालों की सैर, यह फूल वालों की सैर इस इति नामना इस नाम से प्रसिद्ध है, अस्ति प्रसिद्ध है, यह फूल वालों की सैर इस नाम से प्रसिद्ध है। देहल्या, देहल्या का अर्थ है दिल्ली, मेहरौली क्षेत्र, दिल्ली के मेहरौली क्षेत्र में अक्टूबर मासे, मासे होता है महीना, संस्कृत में मास होता है महीना, अक्टूबर मासे अक्टूबर के महीने में अस्य आयोजनम इसका आयोजनम आयोजन भवति होता है, अक्टूबर के महीने में इसका आयोजन होता है, और कौन सी जगह पे होता है, दिल्ली के मेहरौली क्षेत्र में। अस्मिन अवसरे इस अवसर पर तत्र वहाँ बहुविधानी अनेक प्रकार के पुष्पाणी फूल दर्शन्ते देखे जा सकते हैं। अस्मिन का अर्थ होता है अस्मिन अवसरे इस, अस्मिन का अर्थ होता है इस अवसरे अवसर पर तत्र वहाँ बहुविधानी अनेक प्रकार के पुष्पाणी दर्शन्ते फूल देखे जा सकते हैं, वहाँ अनेक प्रकार के फूल देखे जा सकते हैं। परम प्रमुखम परंतु प्रमुख आकर्षणम तु अस्ति, परंतु प्रमुख आकर्षण तो है किसका, पुष्प निर्मितानी व्यजनानी, व्यजनानी क्या होता है, पंखे। ये देखो चित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा ये पंखा ही है। परम प्रमुख आकर्षणम परंतु प्रमुख आकर्षण का तू तो अस्ति है, पुष्प निर्मितानी व्यजनानी फूलों से बने पंखे वहाँ का मुख्य आकर्षण है, वहाँ बहुत अच्छे लगते हैं, जो सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं वो क्या हैं, फूलों से बने पंखे। जनाः लोग एतानी पुष्प व्यजनानी, लोग इन, एतानी का अर्थ होता है इन पुष्प व्यजनानी फूलों के पंखों को योग माया मंदिरे, योग माया मंदिर के में बख्तियार काकी, बख्तियार काकी इतस्य समाधि सतले च अर्पयन्ती, योग माया मंदिर के में बख्तियार काकी के समाधि स्थल पर अर्पित करते हैं, अर्पयन्ती होता है अर्पित करना। केचन कुछ पाटल पुष्पई, पाटल पुष्प निर्मितानि निर्मित, कुछ पाटल पुष्पों से निर्मित, निर्मित होता है बने हुए,
पाटल का अर्थ होता है गुलाब। निर्मितानी बने हुए, केचन कुछ, कुछ इनमें कैसे फूलों से बने हुए पंखे लेकर आते हैं, पाटल पुष्पई गुलाब के फूलों से, केचन कर्णिकार पुष्पई, कुछ कन्नेर के फूलों से, अन्य जपा कुसुमई, अपरे मल्लिका पुष्पई, इतरे च गेंदा पुष्पई, निर्मितानी व्यजनानी नयंती। इस लाइन में अनेक फूलों के नाम बता रखे हैं कि किस किस फूल के बने पंखे यहाँ लेकर आते हैं, जो लोग पंखे लेकर आते हैं वो किस किस तरह के, जैसे गुलाब का फूल है, कन्नेर का फूल है, जवा कुसुम के फूल हैं, चमेली के फूल हैं, मल्लिका पुष्प ही होता है चमेली, चमेली के फूल हैं, ऐसे अनेक प्रकार के फूलों से बने पंखे लेकर यहाँ आते हैं, नयंती लाते हैं, अनेक प्रकार के फूलों से बने पंखे लेकर आते हैं। दोबारा से देखिए, केचन पाटल पुष्पई, कुछ गुलाब से के फूलों से निर्मितानी बने हुए, केचन कर्णिकार पुष्पई, अन्य जपा कुसुमई, कुछ कन्नेर के फूलों से, कुछ जवा कुसुम के फूलों से और कुछ चमेली के फूलों से बने पंखे यहाँ लेकर आते हैं। अयम उत्सव, यह उत्सव, दिवस तर्यम, दिवस होता है दिन, तर्यम तीन, यावत प्रचलती, तीन दिनों तक चलता है, यह उत्सव तीन दिन तक चलता है, एतेषु दिवसेषु, इन तीन दिनों में, पतंगानाम उड़ियनम, पतंग जो आप भी उड़ाते होगे, पतंगों को उड़ाया जाता है, विविधाः क्रीड़ा मल्लयुद्धम चापि प्रचलति, विविध होता है अनेक प्रकार की क्रीड़ा खेल, मल्लयुद्ध कुश्ती होता है मल्लयुद्ध, चापि और भी प्रचलति, चलते हैं इन दिनों यहाँ पतंग उड़ाई जाती हैं और अनेक प्रकार के खेल और कुश्ती चलते हैं। इससे आगे है, विगते भे दिवस सतवर्ष वे भे पुष्पोत्सव जनान आनंदियति, बीते हुए 200 वर्षों से पुष्पोत्सव फूलों का उत्सव जनान आनंदियति, लोग आनंद उठाते आ रहे हैं कि बीते हुए 200 वर्षों से फूलों का जो उत्सव है लोग उसका आनंद उठाते आ रहे हैं। मध्य इयम, बीच में, मध्य होता है बीच में, इयम यह परंपरा, परंपरा सतगीता आशित रोक दी गई थी, बीच में यह परंपरा रोक दी गई थी या स्थगित हो गई थी, परम किंतु स्वतंत्रता प्राप्ते, स्वतंत्रता के बाद पश्चात बाद, इयम मनोहारिणी, यह मनोहारी परंपरा, परंपरा पुनः दोबारा समारब्धा, क्या हो गई, फिर से ये शुरू हो गई, किंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यह मनोहारी प्रथा पुनः शुरू हो गई है। पुष्पोत्सव फूलों का उत्सव अद्य अपि आज भी उल्लासम उल्लास के साथ, सो उत्साहम उत्साह के साथ, चय प्रचलती और, चय का अर्थ होता है और, प्रचलती चलता है, फूलों का उत्सव आज भी उल्लास और उत्साह के साथ चलता है। इससे आगे है शब्दार्थ, शब्दार्थ किसी भी चैप्टर को आप जब तक याद नहीं, जब तक नहीं पढ़ पाओगे उसका अनुवाद तब तक नहीं कर पाओगे जब तक आप वर्ड मीनिंग याद नहीं करते, इसके शब्दार्थ जब तक याद नहीं कर लेते, इसलिए किसी भी चैप्टर को आप पढ़ रहे हो तो उससे पहले उसके वर्ड मीनिंग ज़रूर पढ़ो,
जिससे आपको पता चल जाए कि इस चैप्टर में दे क्या रखा है। वर्ड मीनिंग से आपको बिल्कुल इजी हो जाएगी संस्कृत। देखो इसमें दे रखे हैं कुछ कठिन शब्द हैं, उत्सव प्रिय, उत्सव का प्रेमी, उत्सव मनाने वाला, उत्सव जिसको प्रिय लगते हैं, कुत्रचित कहीं, कुत्रचित का अर्थ होता है कहीं, शस्यो उत्सव फसलों का उत्सव, फिर है पशु उत्सव, पशु पलस उत्सव है, ये इकट्ठा दे रखा है, पशुओं का उत्सव, यानोत्सव गाड़ियों का उत्सव, अन्यत में कई में से एक, पुष्पोत्सव फूलों का उत्सव, इति नामना इस नाम से, अवसरे अवसर पर, पुष्प निर्मितानी फूलों से बने हुए, व्यजनानी पंखे पुष्प व्यजनानी फूलों से फूलों के पंखे, समाधि सतले दरगाह है, अर्पयन्ति अर्पित करते हैं, पाटल पुष्पई गुलाब के फूलों से। आगे है कर्णिकार पुष्पई, मेरे साथ साथ बोलकर देखना ये वर्ड मीनिंग, क्योंकि कुछ बच्चों को संस्कृत पढ़नी भी नहीं आती, स्टार्टिंग है आपके लिए ये संस्कृत, तो साथ साथ बोलने की कोशिश करो, उच्चारण करके देखो आ जाएगी। कर्णिकार पुष्पई कन्नेर के फूलों से, जपा पुष्पई जवार कुसुम के फूलों से, या गुड़हल के फूलों से, गुड़हल को क्या बोलते हैं संस्कृत में, जपा पुष्पई। फिर है मल्लिका पुष्पई, मल्लिका है चमेली के फूलों से, नयन्ति ले जाते हैं यावत तक, प्रचलति चलता है, पतंगा नाम पतंगों का, उड़यनम उड़ाना, मलयुद्धम होता है कुश्ती। इसी के साथ हमारा यह अध्याय कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यह अध्याय बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई भी समस्या आती है संस्कृत से संबंधित, तो आप मेरे पर व्यक्तिगत नंबर से बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले अध्याय के साथ। धन्यवाद।